सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल एजेंट चैनल को और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप जुड़े रहें हमारी लेटेस्ट अपडेट के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने दुबई का विज़िट अगर आपने निकलवाया है तो आप उसका स्टेटस कैसे जान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा और ब्राउज़र पे लिखना होगा ENDRD। ये लिखकर एंटर करें। आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है www.endrd.ae। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सबसे ऊपर क्यूरी वाली एक ऑप्शन आ रही है, आप इसको क्यूरी वाली ऑप्शन को क्लिक करें। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज आपके ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सर्विस टू इंक्वायर। इसको क्लिक करके तो आपने एंटर परमिट वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, रेजिडेंस वैलिडिटी, ENDRD एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, रेजिडेंस एप्लीकेशन जो सभी चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी विज़िट चेक करना चाह रहे हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंटर परमिट वैलिडिटी। आप अपने परमिट को देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा इस तरीके से 212 या और यहाँ फिर इस तरह से लिखा होगा, वर्डिंग से स्टार्ट हो रहा है। इसको क्लिक करें। उसके बाद सन कौन से का है उसको क्लिक करें। उसके आगे जो भी वर्डिंग में लिखा आ रहे हैं पूरा नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जैसे आपके वो पेज के ऊपर वीज़ा के ऊपर नाम लिखा हुआ है, फंस गया आधे लिखा हुआ है, तो उस तरह से फर्स्ट नेम आपको डालना है। नीचे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बर्थडे आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि बर्थडे क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो से भी होगी। नीचे नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है कौन से कंट्री के हैं, और नीचे ये आपको पैच कोड डाल देना है जो लिखा होगा एग्जैक्टली आपको यही डालना है, और इसको सबमिट को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि ये कितनी देर के वैलिड है, क्या है इसका हिसाब किताब सारा। अगर ये आप गलत डालेंगे, जैसा कि मैंने आगे डिटेल्स गलत डाली थी इसलिए है नीचे लिखा आ रहा है अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट विद गिवन डिटेल। जो मैंने डिटेलें डाली थी वो करेक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर शो नहीं हुआ। अगर ये करेक्ट होती तो वो कुछ इस तरह से शो होता। इसी तरीके से आप मोबाइल के ऊपर भी इस वेबसाइट पर जाके आप अपने वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं, जेन्युइन है या नहीं है, ये कब तक वैलिड है। शुक्रिया।